स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन मॉम रिव्यूज़ पर। आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो शिमला मिर्च बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे हेल्थ के लिए भी, और सब्ज़ी भी टेस्टी बनती है इसकी। तो इस तरह से शिमला मिर्च ले लेंगे हम, और हड्डियों के लिए भी अच्छी होती है, स्किन हेल्दी रखती है, इम्यूनिटी बूस्टर है। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, और जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक क्या क्या लेना है ये देखते हैं। तो शिमला मिर्च को अच्छे से धो के इस तरह से काट लिया है। आपको और छोटा काटना है तो छोटा और काट लीजिए। और आलू ले लिया है, बिना आलू के भी बना सकते हैं। प्याज है, लहसुन, मिर्च, अदरक है, और मसालों में है धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी, नमक और गरम मसाला थोड़ा सा, और ये टमाटर है, इनको छोटे छोटे काट लेने हैं। तो इस तरह से बनाएंगे। तेल गरम हो गया है, और तेल गरम होने के बाद जो है वो हम प्याज, अदरक, मिर्ची और लहसुन जो हमने काट के रखा है ये सब डाल देंगे, और इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब तक ब्राउन हो जाएगा तब तक इसको हम भूनते रहेंगे। तो शिमला मिर्च हेल्दी तो है ही, ग्रीन वेजिटेबल में भी आता है, आंखें इससे स्वस्थ रहती हैं, गुड फॉर ब्लड, हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, आयरन की कमी को भी पूरा करता है शिमला मिर्च। और जब ब्राउन हो जाएगा प्याज और लहसुन ये सब, तो हम सारे मसाले डाल देंगे जो हमने रखे थे प्लेट में, और उसके बाद तुरंत हम सब्जियाँ डाल देंगे। आलू और शिमला मिर्च जो काट के रखी हैं वो एक साथ डाल देंगे। इस तरह से डाल के और इसको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे इस समय। इस तरह से जब मिक्स हो जाए अच्छे से, हमने सब कुछ डाल दिया है, इसमें नमक भी डाल दिया है, तो इस तरह से मिक्स करके ढक देंगे, और लो फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे थोड़ी देर, और फिर खोल के देखेंगे और इसको चलाएंगे थोड़ा सा, और देखिए आलू पक गई है, ज़रा सी कसर है। तो अब हम टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर पहले नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर अगर पहले डाल देंगे तो आलू पकने में टाइम लगता है। तो इस तरह से टमाटर डाल देंगे और फिर ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, फ्लेम को लो ही रखेंगे, और बस 2 मिनट बाद ही जो है वो देखिए टमाटर एकदम से गल गए हैं। और अच्छे से फिर मिक्स कर दीजिए सब्जी के साथ टमाटर को, और जो कसर थी आलू की वो भी पूरी हो गई। अब आलू पक गई है सब्जी। तो इस तरह से बनाने से बहुत टेस्टी और अच्छी बनती है, और अगर आलू आप नहीं डालना चाहते तो आलू मत डालिए, तब भी अच्छी बनती है, बिना आलू के भर के भी बनाई जाती है। तो अब सब्जी पक गई है, तो हम कसूरी मेथी और धनिया की पत्ती डाल देंगे इसमें, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। शिमला मिर्च कुकर में भी बन जाता है बहुत जल्दी, और सूखी बनानी है तो टमाटर ना डालिए, और सूखी बनेगी, जैसे रास्ते में ले जाना है तो बहुत सूखी चाहिए तो वैसे भी बना सकते हैं। और हम गैस को बंद कर देंगे ढक के, और 2 मिनट के लिए सेल्फ कुक्ड होने के लिए छोड़ देंगे, और सब्जी तैयार है हमारी सर्व करने के लिए। तो इस तरह से बनाइए और खाइए। शिमला मिर्च को आलू अंदर भर के स्टफ करके भी बनाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है, तो एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।